फिल्टर पेपर दो पूरा दिखा रहा। माइसेल्फ मोहम्मद सुबान, सेकेंड ईयर बी स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। फ्रेंड्स, आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में समझेंगे। एक्सपेरिमेंट करने से पहले बेसिक बात को समझते हैं। यूरिन के कुछ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो नॉर्मली यूरिन में मिलते ही मिलते हैं, और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, जैसा कि अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन, सोडियम, पोटेशियम। ये सारे यूरिन के नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं जो नॉर्मली यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होने चाहिए, जैसा कि ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट्स, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजेन और ब्लड। दीज आर द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी को इसको बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ही एसेंशियल होती है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमारी बॉडी को इसको एक्सक्रीट आउट नहीं होने देती है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। जब किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, तो फिल्टर करने के दौरान जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इन सभी को रीअब्सॉर्ब कर लेती है और दोबारा सर्कुलेशन में भेज देती है। बट अगर इनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके यूरिन में आ रहा है, दैट मीन्स आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और आपको किडनी, और इसका मतलब यही हुआ कि आपका किडनी डैमेज हो रहा है। वैसे तो यूरिन एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस मशीन्स आ गई है, बट अभी भी कुछ ऐसे ओल्ड मेथड्स हैं जिनका आज भी लैब्स और हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। मल्टी स्टिक्स रिएजेंट स्ट्रिप, ये स्ट्रिप का यूज़ हम फिज़िकल और केमिकल एग्जामिनेशन दोनों के लिए कर लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसी स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे। इन स्ट्रिप्स पर डिफरेंट टाइप्स का बैंड्स होता है और उस बैंड्स पर रिएजेंट कोटेड होता है, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए अलग अलग कलर डिनोट करता है। आइए हम समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। आज हम लोग का यूरिन एग्जामिनेशन का केमिकल एग्जामिनेशन है, उसके लिए मैं सैंपल लगाने जा रहा हूं। सैंपल यूरिन मास्क लगाओ बस। देख रहा हूं प्रोटीन के साथ साथ मेरे शुगर में ग्लूकोज भी है या नहीं। हमारे सैंपल को आप दिखा दें, इस तरह हमारा सैंपल। तो हम एक पहले डिप करेंगे इसको, डिप करके फिल्टर पेपर पे इसको मैं 20 सेकंड के लिए रखूंगा। इसके साथ कलर मैच करेंगे। इससे पता चला कि मेरा यूरिन सैंपल नॉर्मल है, नॉर्मल है। प्रोटीन और ग्लूकोज लेवल बराबर है। मिठाई खिलाइए आपको। यूरिन का एनालिसिस हो रहा है, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, और यूरिन में ग्लूकोज और प्रोटीन का पता चला है। रिजल्ट मेरा नॉर्मल था, प्रोटीन और शुगर जो है नॉर्मल है, मतलब लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ। अच्छा चलिए ठीक है। अब मैं इनको सैनिटाइजर दे रहा हूँ सफाई करने के लिए। लीजिए, साफ कीजिए। आपको